सो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, क्यूब एंड क्यूब्स रूट। ठीक है, तो हमको देखो आज के क्वेश्चन में क्या करना है। पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपनी 6.2 एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, हमारे सामने कुछ नंबर्स हैं, हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और हमको बताना है कि जो नंबर है ये किसके क्यूब रूट है। ठीक है, जैसे 512 किसका क्यूब रूट होता है बताओ जरा, 8 का क्यूब रूट होता है ना, 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा, 512। वैसे 729 पूछूं तो किसका होता है, 9 का होता है ना, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729। ठीक है, वैसे ये नंबर भी होंगे किसी ना किसी नंबर के क्यूब रूट होंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास 64, पहला नंबर है हमारे पास 64। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। पहला नंबर है 64, तो यहाँ पे लिखो 64। ठीक है, तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, 3 3 के पेयर बना दो, बन गए। तो 64 को हमने क्या लिखा, 64 को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 3 के पेयर यहाँ से 2 लिया और 3 में से यहाँ से 2 लिया, तो जो 64 है हमारा वो किसका क्यूब रूट होता है, वो 4 का क्यूब रूट होता है ना। 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, 4 4 16 16 4 16। ठीक है, चलो अगला नंबर बताओ, अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर हमारा 512। तो 512 आ गया, अभी बताया था 512 किसका क्यूब रूट होता है, 512 तो 8 का क्यूब रूट होता है ना, 2 2 4, 1 11 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 8, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो 512 को हमने क्या लिखा, इन तीन का पेयर बन गया, इन तीन का पेयर बन गया और यहाँ से 3 का पेयर बन गया है ना, तो 2 × 2 × 2। ठीक है, और 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2। तो यहाँ से 3 का पेयर, यहाँ से 3 का पेयर, यहाँ से, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4 × 2 = 8। तो जो हमारा 512 होता है वो किसका क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट होता है ना। चलो अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 10648। ठीक है, 10648। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जिस 0 है ना तो यहाँ पे 0, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 1 11 2 6 12, 1 11 2 6 12, 2 2 4। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अब 1331 किससे कटता है, 11 से कटेगा है ना, 11 1 11, 12 13, 2 गया, 11 2 22, 11 1 11, और 121 हमको पता है कि 11 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ख़त्म। तो जो हमने 10648 है इसको क्या लिख दिया हमने, 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, 11 × 11। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 11, 2 और 11 उठा लिया, तो जो हमारा 10648 है हमारा किसका क्यूब रूट है, ये 11 × 2 = 22 का क्यूब रूट है। ठीक है, किसका क्यूब रूट है, 22 का क्यूब रूट है। तो आए समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से है ना, तेजी से समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, 27000। ठीक है, 27000, तो फोर्थ पार्ट है हमारा, यहाँ पे लिखो 27000। तो सॉल्व कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 0। ठीक है, 2 6 12, 1 11 2 7 14, 2 5 10 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखो, 7 5 12, 13 14 15, 16 17 18, 18 यानी कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 5 से 8 2, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। तो 27000 को क्या लिखा हमने, 2 × 2 × 2। ठीक है,
उसके बाद 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 ठीक है। उसके बाद 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से 5 यहाँ से तो 2 × 3 × 5 5 × 15 × 30 ठीक है। तो 2700 किसका क्यूब रूट है? 30 का क्यूब रूट ठीक है। आ रहा है तेजी समझ में, कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो फोर्थ पार्ट थे इसके 4 पार्ट कर लेते हैं इस वाले पार्ट में, जो आगे के पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ठीक है, वरना वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इसके आगे के पार्ट। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।